Ba-da-da-da. Okay guys, okay, before we starting, I have a few things to tell you. If you have the Mad Monkey, welcome to Mad Monkey. Mad Monkey, we have the bar. It's all my people and friends here, Martin and Martin D. We open at 7 o'clock until midnight. But तो दोस्तों उस साइड मेरा हॉस्टल है, यहाँ से 50 मीटर, और इस साइड खाओसन रोड है। यह हांगकांग नूडल का रेस्टोरेंट है और ये रोड है। तो अभी हम जा रहे हैं खाओसन रोड। तो देखिए, रेडी हो गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, नहा धो लिया हूँ। कुछ 7:30 बजे चेक इन किया था, 7:15 बजे, और अभी निकल रहे हैं खाओसन रोड के लिए। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट में मोस्टली आपको बीफ, पोक ये सब मिल जाता है, तो मैं अवॉइड करता हूँ जहाँ पे बीफ और पोक है, वो सब मैं अवॉइड करता हूँ। तो मैं सिर्फ वहीं खाता हूँ जहाँ पे बीफ और पोक ना हो। तो पतिया से बैंकॉक का जो बस है करीबन 2.5 घंटा लेता है। 1:40 पे बस चली थी, 5 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो करीबन हो गया 3:20, इसने ज़्यादा ही टाइम ले लिया। मोस्टली 2.5 घंटा 3 घंटे के आसपास होता है। तो खाओसन रोड यहाँ से शुरू होता है, मैंने वहाँ से दिखा दिया था आपको जब मैं आया था, और ये ऑपोजिट साइड है, मेरा हॉस्टल इस तरफ है। तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, वेजिटेबल 30 बात। तो यहाँ पैड थाई वेजिटेबल है 30 बात में। यहाँ पे मसाज हो रहा है। पैड थाई विद श्रिम्प ऑर्डर किया है, श्रिम्प मतलब प्रॉन्स 60 बात में। तो देखते हैं कैसा है। तो श्रिम्प डाला हुआ है, 2 ही पीस डाला है, और फैट थाई। दोस्तों मैच शुरू हो गया है, वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया का बज रहा 8, यहाँ टाइम नहीं दिख रहा है, इंडिया का बज रहा 8 और यहाँ पे बज रहा 9:30।
जब शाम को उतरा था तो वो उधर सिग्नल दिख रहा है, ट्रैफिक सिग्नल, उधर उतरा था। और उसके बाद मैंने वहाँ पे खावसान रोड जहाँ शुरू होता है वहाँ से टैक्सी लिया था, टुक टुक लिया था अपने हॉस्टल के लिए। मल्टीपल एंट्रीज है खावसान रोड की। यहीं पे मैंने बियर पी थी और यहीं पे मैं उतरा था, वहाँ से बस से उतरा था और यहाँ पे चलते हुए आया था, यहाँ से टुक टुक लिया था। तो यहाँ से भी खावसान रोड आप एंट्री ले सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये टुक टुक ऐसी होती है। कुछ इसी में मैं गया था अपने हॉस्टल की तरफ। तो ये रहा खावसान रोड, यहाँ से शुरू होता है। वहाँ पे मैं होता था वो बस स्टॉप पे, रचत पनम करके बस स्टॉप था। If you wanna, so I'll go and get the one. Show me the
one space for me. I'm out here, girl. I'm back up in the street. So I don't really got time to fuss and fight no more with you. Really got time to fuss and fight no more. What's the problem? What's the issue? Everything I said has been true. Love you, then he ditched you. Nobody knowing what we into. Not the cause of what you've been through. I know what you can do. Why you tripping, baby? दोस्तों जब मैं आया था तो ये रामपुत रोड है, एक्चुअली खावसन रोड उस तरफ है जहाँ से मैं अभी ये एली में से आया हूँ, तो उस तरफ खावसन रोड है और ये रामपुत रोड है। मेरा मिस्टेक हो गया, मैं इसको खावसन रोड समझता था क्योंकि लास्ट टाइम मैं इसी रोड पे घूम रहा था खावसन समझ के। थैंक यू ब्रदर।
तो दोस्तों वो एंड से ये एंड तक आ गए हम लोग, ये एंड आ गया है। यहाँ पे RC 420 रोको बार है, रोको बार। लोग वर्ल्ड कप फाइनल का एंजॉय कर रहे हैं बड़े स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन पर। दोस्तों मैं हूँ खावसान रोड पे और रात का बज रहा है करीबन 11। अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच चल रहा है। अर्जेंटीना 2-0 से आगे है, लगभग मेरे ख्याल से 40 मिनट का गेम हो गया है। और खावसान रोड पे बहुत भीड़ है, लोग मैच का आनंद ले रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। और ये खावसान रोड काफ़ी हैपनिंग है। इसके बाद दूसरा डेस्टिनेशन है नाना प्लाज़ा। नाना प्लाज़ा तो एडल्ट नाइट लाइफ है, छोटा सा एरिया है वो भी बहुत फेमस है। लेकिन खावसान रोड यूथ क्राउड, पार्टी क्राउड यहाँ पे ज़्यादा आता है। और मेरा हॉस्टल जस्ट यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो मैंने आपको खावसान रोड दिखा दिया है। आज है 18 दिसंबर 2022। मैं आया था पत्या से बैंकॉक, आपको पूरा जर्नी दिखा दिया है पत्या से बैंकॉक में कैसे कैसे आया, और शाम का भी आपको व्यू दिखा दिया। मेरे हॉस्टल में एक पब क्रॉल करके एक इवेंट था, पब क्रॉल शाम को 8 बजे, लेकिन वो 8 बजे का बाद में 10 बजे हो गया, 10:30 बजे हो गया। चूँकि आज फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच था तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। मैंने पैसे दे दिए थे लेकिन बाद में वो कैंसिल कर दिया। पब क्रॉल में काफ़ी लोग थे, 20-25 लोग थे, जो 3-4 पब्स वो लोग घुमाते हैं, आपको एक ड्रिंक फ्री देते हैं, एक टैंक टॉप देते हैं, सैंडो बनियान जिसको बोलते हैं, अपने हिंदी लैंग्वेज में कलरफुल बनियान, उस पर पब क्रॉल लिखा होता है, तो वो एक देते हैं, एक ड्रिंक देते हैं। फिर आपको 3-4 लोकल बार्स में घुमाते हैं, ग्रुप के साथ आप हैंग आउट कर सकते हो। लेकिन चूंकि आज बहुत बड़ा मैच था और मुझे वो मिस नहीं करना था तो मैंने वो कैंसिल करवा दिया, और उनका थोड़ा डिले भी हो गया था, वो 10:30 बजे निकलने वाले थे। तो अभी मैं यहाँ आपसे आज्ञा लेता हूँ। 11 बज गया है और कल सुबह मेरी फ्लाइट है, कल हम एक नए कंट्री में जा रहे हैं। नए कंट्री मतलब मेरे लिए नया कंट्री है, आप लोगों ने शायद देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो मेरे नज़रिए से, मेरी आँखों से, मेरे कैमरे के लेंस से देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कंबोडिया, उस कंट्री का नाम है कंबोडिया। और कंबोडिया में मैं पहले जाऊँगा सीएम रीप में, मेरी फ़्लाइट है एयर एशिया की सुबह 9:55 पे, तो मुझे यहाँ से करीबन 6 बजे तो निकलना पड़ेगा मेरे हॉस्टल से। तो हॉस्टल से एक बस जाती है, तो मैं सब डिटेल्स आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। अभी मुझे आज्ञा दें। तो ये दोस्तों हमारे हॉस्टल के लोग हैं, सब पब क्रॉल के लिए जा रहे हैं।